दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका हमारे चैनल बोल फटाफट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को हमने बता ही दिया था कि भाई खतरों के खिलाड़ी में कौन कौन से सेलिब्रिटीज जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और ऐसे में सिद्धार्थ निगम का नाम मैंने बताया था कि सिद्धार्थ निगम को अप्रोच तो किया गया लेकिन अभी तक पूरी तरीके से कन्फर्मेशन नहीं है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या सिद्धार्थ निगम जो है वो खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा बनेंगे। हालांकि फैंस के लिए ये खुशखबरी भी हो सकती है, और जो फैंस उन्हें खतरों के खिलाड़ी में देखना चाहते थे उनके लिए ये थोड़ी सी सैड न्यूज भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ निगम को एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम उन्हें धूम 3 में भी देख चुके हैं, जो उन्होंने आमिर खान के बचपन का किरदार प्ले किया था, डबल रोल प्ले किया था, उसी तरीके से अब वो सलमान खान की अपकमिंग जो मूवी है कभी ईद कभी दिवाली, उसमें से सलमान खान के 3 भाइयों में से एक भाई का कैरेक्टर जो है वो प्ले करते हुए नजर आएंगे। और जिसके चलते जैसे उनको कभी ईद कभी दिवाली का ऑफर आया, उन्होंने खतरों के खिलाड़ी के जो भी उनका प्रपोजल था उसको करने से मना कर दिया, और उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं खतरों के खिलाड़ी नहीं करना चाहूंगा, अभी मेरे पास बहुत अच्छा प्रपोजल है सलमान खान की मूवी कभी ईद कभी दिवाली का। तो आने वाले टाइम में अगर कभी भी उनको खतरों के खिलाड़ी के लिए ऑफर आया तो वो यकीनन खतरों के खिलाड़ी करेंगे। और जैसा मैंने आपको बोला कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल बोल फटाफट पर मिलते रहेंगे, तो सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल बोल फटाफट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।